एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली आपके बालों की ग्रोथ में और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करने वाला है और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये क्लेम्स जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है इस इंट्रो के बाद देखते हैं इस प्रोडक्ट को डिटेल में लेट्स गो गाइस वेलकम बैक टू द बेडेड छोकरा मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक हेयर ऑयल के बारे में तो द प्रोडक्ट दैट आई हैव इज इज दिस दिस सेसाज रीगेन किट ओके okay. एंड इस किट के अंदर आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक आपको हेयर ऑयल मिलता है और एक आपको एक सिलिकॉन का स्कैल्प मसाजिंग टूल मिलता है लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल सबसे पहले प्राइस की अगर मैं बात करूं एमआरपी 495 है कैन यू बिलीव इट 495 एमआरपी क्वांटिटी एम इस हेयर ऑयल की है हंड्रेड एम पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ फाइव आउट ऑफ फाइव द बॉटल इज ऑल्सो रियली गुड बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो है ये एक ट्विस्ट टाइप का कैप है जो बहुत ही सही है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑयल एज वेल इससे ऑयल का लीकेज वीकेज कुछ नहीं होता जब आप इसको बंद करते हो एंड एट द सेम टाइम एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत हेल्प करता है तो ओवरऑल फाइव आउट ऑफ फाइव इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग अगर मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंस की बात करूँ इस ऑयल के अंदर एक अर्धी लेमनी एकदम सौंधी सी वेरी माइल्ड खुशबू है इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसके अंदर डाली नहीं गई है नाउ इफ यू गो इन टू दी इनग्रीडियंट्स इन्ग्रीडियंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स है यहाँ पे देर आर ट्वेंटी सिक्स ऑब्स एंड देर आर सिक्स एसेंशियल ऑयल्स एंड देन देर इज काउस मिल्क बिकॉज दिस इज मेड यूजिंग द शेर पाक विद एंड उसके अलावा बहुत सारे कैरियर ऑयल्स भी हैं अब आई होप आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए होंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ मेडिकेटेड हेयर ऑयल ये कॉस्मेटिक हेयर ऑयल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉफ्टनेस शाइन और डीट के काम में आते हैं वो दिस इज अ प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन विच इज मेड स्पेसिफिकली टू टैकल योर हेयर इश्यूज़ एंड इसके अगर आप इंडिकेशन्स भी पढ़ोगे तो दिस इज मेड सो दैट इट कैन सॉल्व योर एग्जीमा और सेबोरेगडोमेटाइटिस और डेंड्रफ रिलेटेड इश्यूज प्लस अलग विद डैट हेल्प यू विथ हेल्थी हेयर ग्रोथ द अदर थिंग इज जैसे मैंने आपको बताया ये क्षीरपाक विधि से बनाया हुआ है तो ट्वेंटी टू आवर्स से भी ज़्यादा काउज़ मिल्क के अंदर ये सारे हर्ब्स एसेंशियल ऑयल्स कैरियर ऑयल्स को मिला के बॉयल किया जाता है 22 घंटे से भी ऊपर द थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट इसके अंदर कोकोनट ऑयल का भी यूज़ किया हुआ है एंड अभी सर्दी के मौसम चल रही है अभी जो भी खरीदेंगे इस पर्टिकुलर ऑयल को ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा सॉलिडिफाई हो जाए बिकॉज कोकोनट ऑयल ये टेम्परेचर्स में सॉलिडिफाई हो जाता है तो अगर वैसा हो तो आप इसी को जो है वो लूक लूकवम वाटर के अंदर ऐसे सीधा सीधा रख सकते हैं तो वो अंदर का ऑयल लिक्विफाई हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वात पित्त कफ के दोषा इंबैलेंसेस होंगे जो स्कैल्प लेवल पे होंगे ऑब्वियसली उनको टैकल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फॉर्मुलेशन है एंड इट इज स्लाइटली पुशिंग टूवर्ड्स बैलेंसिंग योर वाता एंड पित्ता दोषा स्पेसिफिकली अब इस ऑयल की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यह ऑयल जो है इट्स अ लाइट ऑयल बहुत ही ज्यादा थिक और स्टिकी ऑयल नहीं है एट द सेम टाइम जो कलर है इस ऑयल का स्लाइटली गोल्डन येलो है अपार्ट फ्रॉम दैट एब्जॉर्ब की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई एम वेरी वेरी इंप्रेस दब्जॉर्ब्शन ऑफ दिस ऑइल इज वेरी वेरी गुड एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्षेर पाक विधि एंड दायर फॉर्मुलशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इरिटेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली कोई भी इरटेशन या एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रिगार्डलेस ऑफ दैट आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू डू अच्छ बिकॉज ये एक मेडिकेटेड ऑयल है बहुत सारे अब्स है अब ये जो किट है इट कम्स विद इज असाजिंग टूल विच इज मेड विथ सिलीकोन टिप्स बोल सकते हो आप इसको और ये जो टूल है इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑयल ऑल अक्रॉस योर स्कैल्प स्पेशली गेटिंग टू ऑल योर मार्मा पॉइंट जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल के अंदर एंड मसाजिंग दोज पॉइंट्स एक्टिवेटिंग दो पॉइंट्स इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन रिमूविंग टॉक्सिन्स रिमूवल ऑफ द डेड स्किन लेयर रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लेक्स उन सारी चीज़ों के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है अब क्या चीज़ ऐसी है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस प्रोडक्ट के टू वॉज ये क्लेम जो आगे आगे लिखा हुआ है दैट इज इट इज क्लिनिकली प्रूव टू रिवाइव योर फॉलिकल्स टू ग्रो नू हेयर

बहुत मेहनत करके कंपनी से ली है बट आई के नॉट शेयर द एंटायर स्टडी विथ यू बिकॉज इट इज अनएथिकल टू डू सो बिकॉज इट्स अ प्राइवेट स्टडी बट मुझे कुछ कुछ की एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करने की परमिशन मिली है सो दैट इज वॉट गोइंग टू डू एंड दैट इज मोर देन इनफ अब ये जो स्टडी है वो एक सिंगल ग्रुप सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी थी एंड इट वॉज डन ऑन ट्वेंटी फोर पीपल सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी मतलब जिन लोगों पर यह टेस्ट हो रहा है उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है आई नो दैट दिस स्टडी ग्रुप इज नॉट वेरी बिग

ये पूरा स्टडी के टाइम पे किसी ने भी 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 कोई कोई इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक एंड नो बडी है वेरी वेल टॉलरेटेड प्रोडक्ट नाउ लेटर्स टॉक अबाउट हाउ डू यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन शीरो अभ्यंग विच मीन्स ऑयलिंग एंड मसाजिंग द स्कैल्प और ये आता है अष्टंग हृदय सूत्रस्थान से अभी मैंने रिसेंटली बालायम के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया हुआ है जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक उसके अंदर मैंने हल्का सा ब्रीफली टच किया हुआ था मार्मा पॉइंट्स के ऊपर आज थोड़ा सा और डीप जाऊंगा बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दीज मार्मा पॉइंट्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर मसाजिंग टूल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड टू रिमूव द स्टेग्नेटेड एनर्जी एनर्जी ब्लॉकेजेस एंड आल्सो रिमूव द टॉक्सिन सबसे पहला है शंख मर्मा अब शंख मर्मा है आपके टेंपल रीजन के ऊपर अब ये शंख मरमा जो है इट कंट्रोल्स द वातर और इसको जो है मसाज करना है मिडिल फिंगर्स को यूज करके तो मिडिल फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल होगा जब आपके यहाँ पे आपको जो है सर्कुलर मोशन के अंदर विथ फर्म प्रेशर बट नॉट टू मच प्रेशर आपको जो है मसाज करना है तो दिस विल रिड्यूस द वात उसके बाद आता है अधिपति मार्मा दिस इज लाइक द लॉर्ड ऑफ ऑल मार्मास द किंग ऑफ ऑल मार्मास ये लोकेटेड होता है वर्टेक्स पे आपके टॉप ऑफ द पे इट कंट्रोल्स द प्राणा एंड इट कंट्रोल्स ऑल द दोषाज अब इसको भी जो है आपको मसाज करना है विथ फर्म प्रेशर इन सर्कुलर मोशन भी कर सकते हो या फिर आप जो है टैपिंग प्रेशर से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो उसके बाद आता है सिमंता या सिमंता का मर्मा। अब ये जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय द आदिपति मर्मा एंड दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द दूचर ऑफ योर स्कल ओके मल्टीपल रीजन है आपके स्कल के अंदर लेकिन जो भी आपको ये रिजेज मिलते हैं स्कल के जो ज्वाइंट्स हैं वहां पर ये सीमांत मर्मा है एंड उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो बाय मसाजिंग एंड ये भी जो है इट कंट्रोल्स एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम टुवर्ड्स योर स्कल टुवर्ड्स योर हेड टुवर्ड्स योर स्कैल्प उसके बाद है विदुरा मरमा और ये जो है आपके कान के पीछे और इस बोन के नीचे है ये जो बोन है आपका उसके जस्ट नीचे है एंड उसको जो है अगेन विद मिडिल फिंगर आपको जो है विथ अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल उसको आपको सर्कुलर मोशन के अंदर जो है आपको ऐसे मसाज करना है जस्ट बिलो दिस बोन एंड ये जो मार्मा पॉइंट है इट कंट्रोलवायु और ये आपके वाता दोषा को कंट्रोल में ला सकता है लास्ट मार्मा पॉइंट इज दर्मा यह जो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर स्कल जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका स्कल और नेक मीट करता है उसी पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट्स हैं उनको भी जो है आप मसाज कर सकते हो विथ योर मिडिल फिंगर या फिर दो तीन फिंगर के साथ भी आप कर सकते हो या फिर आप थम्स लेके भी थम्स से भी मसाज कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आपको स्मॉल सर्कुलर बट फर्म मोशन के अंदर उन मार्मा पॉइंट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो एंड दे आल्सो कंट्रोल द ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड तो द नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग अ हेड मसाज कीप दीज मार्मा पॉइंट्स इन माइंड वन मोर मार्मा पॉइंट आई मैं मार्मा राइट बिटवीन योर आईब्रोज विच इज योर थर्ड आई मार्मा पॉइंट ओके इस मार्मा पॉइंट को भी आप मिडिल फिंगर के साथ थोड़े से ऑयल के साथ इधर भी आप जो है वो सर्कुलर मोशंस के अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हो दैट विल ऑल्सो रियली रियली हेल्प यू आउट नाउ टू अप्लाई द ऑयल द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि इसको जो है आपको कैप को ट्विस्ट करके ओपन कर देना है एंड थोड़ा सा ऑयल सबसे पहले आपके वर्टेक्स के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है एंड पैट करना है एंड दैट इज सो दैट द स्कैल्प स्टार्ट्स अब्जॉर्बिंग द ऑयल रियली रियली क्विकली वो करने के बाद आप जो है डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो टू अप्लाई डायरेक्टली टू द स्कैल्प और आप हाथ में भी लेके उसको मसाज कर सकते हो वॉट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू इज दैट डू नॉट ओवर सेचूरेट योर स्कैल्प विद विथ ऑयल बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है इतना ही लगाना है कि स्कैल्प जो है वो कवर हो जाए एंड जो आप मसाज कर रहे हो वो मसाज जो है वो ड्राई स्कैल्प के ऊपर ना हो ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो उतना ही ऑयल अप्लाई करना है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट मोर इंपॉर्टेंटली लोग बोलेंगे ऑयल को बालों में नहीं लगाना क्या बालों में भी लगा सकते हो बट सिंस इट इज़ अ मेडिकेटेड हेयर ऑयल फोकस शुड बी मेनली ऑन द स्कैल्प बिकॉज वहाँ पे ही सारा डिफरेंस आपको दिखने वाला है सारे फिंगर्स यूज करने हैं एंड सर्कुलर मोशंस के अंदर आपको जो है वो लाइट प्रेशर के साथ आपको पूरा का पूरा स्कैल्प जो है वो मसाज करना है ये आप तीन से पाँच मिनट कीजिए एंड जब आपके हाथ थक जाए या तीन से पाँच मिनट हो जाए इसके बाद आता है ये स्कैल्प मसाजिंग टूल इसको आप दो वेज के अंदर यूज कर सकते हो अगर आपके बाल जो है वो शॉर्ट है देन यू कैन यूज दिस स्कैल्प मसाजिंग टूल इन अ रबिंग मोशन ओके बट जैसे ही आपके बाल लंबे हो जाएंगे आप रबिंग मोशन में इसको सर्कुलर रबिंग मोशंस करेंगे तो आपके बाल जो है वो उलझ जाएंगे एंड इट जस्ट बिकम अ मैस यूल स्टार्ट क्रिएटिंग नॉट्स तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टूल ऑन स्पेसिफिक मार्मा पॉइंट्स एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस टूल टू अप्लाई प्रेशर एंड देन मूव द इंटायर स्कैल्प आपको इस टूल को स्कैल्प के ऊपर मूव नहीं करना बट इसको स्कैल्प के साथ अटैच रख के स्कैल्प को ही मूव करना है तो बेसिकली आपको करना क्या है स्कैल्प को लूजन करना है ये ओवर द टाइम जो है वो टाइट हो जाता है टाइट होने की वजह से हेयर ग्रोथ में दिक्कत आती है तो उसको हमें लूज करना है कोलेजन प्रोडक्शन को एनहेंस करना है ब्लड फ्लो को एनहेंस करना है तो स्कैल्प को जब हम मूव करेंगे वो आप पाम्स के साथ भी कर सकते हो ऐसे करके पूरा का पूरा स्कैल्प भी आप मूव कर सकते हो नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इसको स्कैल्प के ऊपर बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है जस्ट हैव फर्म प्रेशर एंड सर्क्यूलोर मोशन टू माई एक्सपीरियंस एंड द दैट आई हैव सीन अब मैंने इसको ऑलमोस्ट एक महीने के लिए यूज़ किया है थोड़ा सा एक महीने से कम यूज़ किया है एंड जितना भी मैंने इसको यूज़ किया है द रिजल्ट हैव बीन रियली रियली गुड रियली रियली पॉजिटिव सॉफ्टनेस शाइन डीटैंगलिंग ओवरऑल शीन ऑफ द हेयर इवन आफ्टर वॉशिंग इट बहुत ही नेचुरल हेल्दी शाइन देता है ये आपके बालों को विच आई रियली रियली अप्रिशिएट हेयर ब्रेकेज एंड हेयर फॉल दोनों कम हुआ है एंड ये जितना और मैं यूज करूंगा उतना ही और कम होते जाएगा जितना भी इरिटेशन या इचिंग या पेन या टाइटनेस या जो भी मुझे फील होता था वो सब कुछ निकल गया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द दर कॉन्सेप्ट ऑफ शीरो अभ्यंग ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी अर्ली फॉर मी टू कॉमेंट ऑन दी हेयर ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ इट बट जितना मैं देख रहा हूँ स्टडी भी आपके साथ शेयर की आई एम श्योर दैट अगर आप इस शीरो अभ्यंग को चार से छह महीने फॉलो करते हो तो यूलो सी एन इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रेंथ एंड दल ग्रोथ ऑफ योर हेयर अब यहाँ पे मैं वर्डिक की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं अगर कॉन्स की बात करूनी थिंग इज टू नेट पिक्स वन इज दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग सो मेनी इनग्रीडियंट इससे पांच छ कम इंग्रीडियंट भी डाल देते लेकिन जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर थोड़ी सी और बढ़ाई जाती दैट आई फील वुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर बट अगेन दैट्स मी नेट पिकिंग बिकॉज कहीं ना कहीं पे इनकी जो टीम है सैसा की टीम ने बहुत आर एंड डी की होगी अपार्ट फ्रॉम दैट दी ओनली अदर थिंग इज ये जो टूल है नो कम्प्लेन विद द टूल इट्स रियली रियली गुड ये सिलिकॉन जो टिप्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट फ्लेक्सीबल एवरी फंक्शनल है बहुत ज़्यादा लेकिन जो फिट एंड फिनिश है इसका कोड हैव बीन बेटर रोज की अगर मैं बात करूँ प्राइस टू क्वान्टिटी टू रिजल्ट टू पैकेजिंग टू एवरी सब कुछ टॉप नॉट्स जिस प्राइस में लोग सिर्फ ये बेचते हैं उस प्राइस के अंदर आपको दो प्रोडक्ट्स वो भी ऐसी पैकेजिंग के साथ देना दिस सॉर्ट ऑफ अ पैकेजिंग कैन यू बिलीव इट इट्स अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग किसी को भी अगर आप बोलोगे कि ये

ओवरनाइट अगर आपको करना है तो मैं उनको ही रेकमेंड करूंगा जिनको बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है वही ओवर यूज़ करें अदरवाइज टू आवर्स मोर देन सफिशेंट एक से दो घंटे आप लगाओ शैम्पू कर दो नो प्रॉब्लम ओवरऑल आई फील दैट अगर आप मार्केट में हो और आप ढूंढ रहे हो एक अच्छे हेयर ऑयल को जो आपके डैंड्रफ इश्यूज, ड्राई स्कैल्प इश्यूज, एक्सेसिव स्कैल्प पेन इश्यूज, हेयर ब्रेकेज इश्यूज, हेयर लॉस इश्यूज बहुत बाल थिन और वीक हो गए हैं यू वॉन्ट सम रियल डील देन दिस इज दिन ऑयल दैट यू कैन गो फॉर अगर आप हेयर वाइटलाइजर जो सेसा का हेयर वाइटलाइजर भी मैंने इस चैनल पे रिव्यू किया है अगर आप उसको एक अच्छा ऑयल मानते थे अच्छा प्रोडक्ट मानते थे ये उससे भी अच्छा है दिस इज़ वन लेवल और मे बी टू लेवल्स अबव दैट बिकॉज फॉर्मुलेशन बेटर है हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी इसके अंदर ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम

जरूर यूज़ करने के बाद मुझे अपना फीडबैक शेयर करना आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ यू गाइज हैव लाइक और डिसलाइक द प्रोडक्ट वट एवर इट इज डू शेयर इट विद मी वीडियो पसंद आया डिटेल पसंद आई मेहनत पसंद आई एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक like करो अपवोड करो ताकि और लोगों तक पहुंचे शेयर करो सब्सक्राइब करो जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप किड ऑसम एंड आउल इन द नेक्स्ट वन बाय बायस